एक क्वेश्चन ये किया कि अगर कोई शख्स घर में अकेले नमाज पढ़ रहा है तो क्या उसे इकामत कहना ज़रूरी होगा। देखिए, अकेले शख्स के लिए अज़ान कहना भी मुस्तहब है और इकामत भी कह ले तो बहुत बेहतर है। अगरचे इकामत जो है वो जमात की इत्तिला के लिए होती है, अज़ान नमाज की इत्तिला के लिए है कि भाई नमाज का वक्त हो गया, होशियार हो जाओ, जमात होने वाली है। और इकामत इस बात की इत्तिला देती है कि जमात बिल्कुल खड़ी हो गई है, फ़ौरन आ जाएँ। अकेले जमात तो होती नहीं, तो इसलिए अगर इकामत कह लें तो मुस्तहब है, अच्छा है। कलिमात हसना आप जिक्र करेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं कहा तो कोई हर्ज भी नहीं है।